दूसरा एंटरटेनमेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, हल्दी का हलवा बनाऊंगी। फ्रेंड्स, सर्दियों में बहुत फायदेमंद होते हैं, घुटने का कमर का दर्द ठीक हो जाते हैं। तो मैं 250 ग्राम कच्चा हल्दी ली हूँ, मैं पीस के रख ली हूँ, और मेरा 100 ग्राम घी है, और 15 से 20 काजू, 10-12 पिस्ते बादाम, और बादाम है 15-16, एक टुकड़ा नारियल का है, और 50 ग्राम मूंगफली है, और 50 ग्राम किशमिश, और मेरा 250 ग्राम घी गुड़ है, और ये मैं 250 ग्राम छुहाड़ा फुला के मैं ग्राइंड कर ली हूँ, बारीक नहीं की हूँ, दरदरा ही। तो मैं नारियल को, ड्राई फ्रूट को सबको बारीक काट लेती हूँ पहले। तो ये देखिए हम फ्रेंड्स, हम मूँगफली भून के लेंगे, तो मैं इसको भून लेती हूँ पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम कढ़ाई में घी डाल दिया, मेरा घी गर्म हो गया है। मैं पहले छुहाड़ा को फ्राई करूँगी, तो मैं छुहाड़ा जो ग्राइंड करके रखी थी उसको फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छुहाड़ा इस तरह से फ्राई कर ले हैं, ब्राउन हल्का हो जाएगा, तब तक मैं फ्राई करूँगी छुहाड़ा को। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हल्का ब्राउन हो गया छुहाड़ा, मैं इसमें खोआ डालूँगी थोड़ा सा। तो मेरा 50 ग्राम खोआ है फ्रेंड्स, फ्रिज में रखने से टाइट हो गया है, तो मैं इसको डाल लेती हूँ और इसको भी फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम छुहाड़ा और मावा दोनों फ्राई कर लिए हैं, सुनहले रंग का हो गया। मैं हल्दी फ्राई करूँगी, तो मैं कढ़ाई की ओर चलती हूँ। फ्रेंड्स, हम फिर से इसमें घी डाल दिए हैं, और नहीं मेरा घी पिघल जाएगा, तो मैं इसमें हल्दी डाल के भूनूंगी। देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें हल्दी डाल दिए, और मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से, सुनहले होने तक मैं फ्राई करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कि फ्रेंड्स हम हल्दी फ्राई कर रहे हैं, हल्का फ्राई हो गया है। जैसे हमारा हल्दी फ्राई होगा फ्रेंड्स, घी बाहर की ओर छोड़ने लगा है, तो देखिए हल्का हल्का घी छोड़ने लगे हैं। तो मैं अभी और फ्राई करूँगी हल्दी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हल्दी फ्राई हो गया है, देखिए सुनहले रंग का हो गया है, और मेरा घी भी छोड़ने लगा है। तो मैं जो छुहाड़ा और मावा फ्राई करके रखी थी उसको भी इसमें डाल के मिला लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, छुहाड़ा और मावा हम डाल दिए हैं, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम सारे ड्राई फ्रूट्स काट लिए थे, और कुछ कूट लेते, मैं मूँगफली फ्राई करके उसको कूट लेती, और नारियल को कद्दूकस कर लेती, और बादाम, पिस्ता बादाम मैं कूट ली हूँ। मैं सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक किशमिश है, मैं साबुत ही डाल दी हूँ, तो ये देखिए हम डाल दिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम सब अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और फ्राई हो गया है। अब मैं नेक्स्ट डालूँगी इसमें गुड़। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम 250 ग्राम गुड़ डाल रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से डाल दिए, और सबको अच्छे से मिक्स करूँगी, पानी थोड़ा भी नहीं डालना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गुड़ पिघलने लगा है, देखिए इस तरह से, अभी और पिघलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फाइनली सारे गुड़ मिक्स हो गए हैं, पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी फ्रेंड्स, और मेरा गुड़ मिक्स हो गया है। तो मैं और थोड़ा पका लेती हूँ, उसके बाद बंद कर। बहुत ही फायदेमंद होता है फ्रेंड्स हल्दी का हलवा, ठंडी में कमर और घुटने का दर्द ठीक हो जाता है फ्रेंड्स। फाइनली हमारा हल्दी का हलवा बन के रेडी है, एकदम बढ़िया। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा बन के रेडी है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ठंडी में बहुत ही फायदेमंद होता है फ्रेंड्स। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा फ्रेंड्स, बहुत फायदेमंद होता है फ्रेंड्स। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स। हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है फ्रेंड्स।